नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। गृह मंत्री आज शांति निकेतन गए, जहां उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह विश्व भारती से निकलकर दोपहर में लोक गायक वासुदेव के घर पहुंचे। आपको बता दें कि वासुदेव प्रसिद्ध बाउल गायक है। बाउल गान बंगाल की संस्कृति रही है, जिसके मुरीद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं। गृह मंत्री उनके घर दोपहर के भोजन पर पहुंचे, जहां अमित शाह की थाली में विशुद्ध सादगी भरे भोजन परोसे गए। इसमें चावल, दाल, बैगन वाजा, पोटोल वाजा, पालक साग, चटनी, पापड़ और मिष्ठान में रसगुल्ला रखा गया। ये जो भोजन है वो बंगाल की पहचान है। भोजन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीरभूमि में एक बड़े रोड शो का आयोजन किया गया। इसको भाजपा के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ रोड शो में उबड़ी। रोड शो खत्म करने के बाद अमित शाह जमकर टीएमसी पर बरसे। उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे के बहाने उन पर जमकर तंज कसा और कहा कि सुभाष बाबू के सपने का बंगाल बनाएंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की खास रिपोर्ट। समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोल आबादी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। अगली बार जब चुनाव आए कमर के स्थान पर बटन दबाओगे, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का वादा। मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर। मुझे बताइए गोरखपुर वाले, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना, करोगे ना, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी नीचे।